आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन फिगर एबीसी इज अ क्वाड्रेंट, एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 का मतलब ये रेडियस हो गई है, सेंटर ले लें तो यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 14, रेडियस 14 सेंटीमीटर। एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद बीसी, बीसी एज डायमीटर, यानी बीसी को जो है वो डायमीटर मानकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करा गया है ये बाहर वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि पहले तो हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है सर्किल का, ये यहां से यहां तक और ये यहां तक, ये एक क्वाड्रेंट है। उसके बाद यहां से जो ये बीसी को अटैच कर दिया है और इस बीसी को जोड़ने के बाद एक और सेमी सर्किल जो है वो इसे डायमीटर मान के सेमी सर्किल बना दिया गया, बी एन सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये फिगर है और हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद फिर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। उसके बाद सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्किल के एरिया में से इसका इस पोर्शन का एरिया माइनस करेंगे तब ये आंसर निकल के हमारा आता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर लगाना पड़ेगा। उसके लिए जो है वो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है सर्किल का तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या है, 14, 14 इंटू 14 ये आ गया। तो यहां से जो है वो 90 वन जा और 90 फोर सा हो गया, 7 वन जा 7 टू सा हो गया, 2 वन जा 2 टू सा हो गया, 2 वन जा और 2 11 सा हो गया। हमारे पास बचता है यहाँ पे 11 इंटू 14, 11 फोर जा 44, 11 वन जा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल कर आ गया इस पूरे क्वाड्रेंट का, ये और ये यहाँ से ये ऐसे। अब यहाँ पर हम ये एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल निकाल दें और माइनस कर दें तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारी जो है वो 14 है और हाइट भी हमारी ये 14 है इस ट्राइंगल की एबीसी की, बेस भी 14 हाइट भी 14, 2 वन जा 2 2 7 जा 14, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया अगर निकालना हो ये वाले पोर्शन का, सेमी सर्किल के इस वाले पोर्शन का, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सेमी सर्किल ये आ जाएगा आपका 154 माइनस 98 इक्वल टू, ये हमारा आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया जो है वो हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये वाला एरिया। अब हम सेमी सर्किल का एरिया निकाल के उसमें से ये 56 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसे आप नोट डाउन कर ले, मैं खाली ये आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्किल का डिवाइड कर देंगे टू से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए बीसी को इन्होंने डायमीटर लिया है, बीसी एज अ डायमीटर, लेकिन बीसी की जो है वो लेंथ नहीं दी है। अब डायमीटर ही नहीं पता तो रेडियस कैसे लाएं, और रेडियस नहीं होगी तो ये एरिया कैसे निकलेगा, और उसमें से 56 माइनस नहीं होगा तो आंसर ही नहीं आएगा। सबसे पहले बीसी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, बीसी
है ना। अब उसके लिए क्या करना है कि ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटनिस होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हो जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 380 और 12 392, ठीक है। और इस पे रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो है वो, हाँ 14 का स्क्वायर जो है वो होता है आपका, भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं 392 को, 14 into 2 है ना। तो 14 जा 196 और 196 2 जा 392, वही हमारा आया है रूट में। हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसमें से इस पेयर को बाहर निकाल लिया, रूट टू को अंदर रहने दिया, तो 14√2 जो है वो आ गई बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू आ गई 14√2। अब ये हमें मिल गई 14√2। अब अगर ये डायमीटर है, क्योंकि इसे डायमीटर लिया गया है, तो रेडियस क्या हो गई, आर इज इक्वल टू 14√2/2, 2 7 14, तो आर आ गई हमारी 7√2, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल वो आ गई 7√2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे किस तरीके से हमने इसको बीसी को निकाला, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हमने रेडियस तैयार कर लिया सेमी सर्किल की। अब सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया था यहां पर, तो 22 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये हाफ है, अगर इसे हाफ करना है तो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7√2 मल्टीप्लाइड बाई 7√2, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया हमारा, इस 7 से जो है वो ये 7 कैंसिल हो गया, नहीं समझा, और आपका इस 2 से ये 11 हो गया 22। हमारे पास बचता क्या है, 11 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 7 और मल्टीप्लाइड बाई √2/√2, ये दोनों रूट टू और 11 और 7, 11 7 जो हो गया 77 मल्टीप्लाइड बाई √2/√2 का मतलब √2/2, और इसकी पेयर बनाकर एक 2 बाहर ले लेंगे, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। 77 2 जा 27 जा 14, 127 जा 14 और 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया इस सेमी सर्किल का एरिया, इसका बड़े वाले का जो बीसी डायमीटर लेकर बनाया गया था, और इसका एरिया हम पहले निकाल चुके हैं 56 सेंटीमीटर, है ना, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। अब अगर हम 154 में से 56 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकल कर आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतने पोर्शन का निकल कर आया जो शेडेड रीजन का हमने निकालना था, क्योंकि इसमें से हमने इसका एरिया माइनस कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।